की होले यहाँ पर? यहाँ पर भेल हन ये है जो पलटी खा गेले गाड़ी, पलटी खा गेले हन। ओय में आदमी सब देख दौगे जा जा, लोग सब बचबे जा जा, हमू बकरी चरबे छलिए गेलिए दौड़ल देखे ला त कात में आर घीचे चले कपड़ा दा दके त हमू हाथ पकड़ पकड़ के घीच लिया, ओकर हाथ ऊ पकड़ के ओकर हाथ ऊ पकड़ के कते कते आदमी छलो में कुछ भाई नहीं पता नहीं है को। अच्छा त कते आदमी घायल है? घायल कई आदमी घायल है कम कते कम तुन को है गेले। अच्छा सब निकल गेलो में से? हां निकल ले हां निकल सारे मबियो था ना आ कहीं रोड बने मतलब आ एकरा बहन छोड़ घटना के बारे में क्या जानकारी अभी तक क्या हुआ है? घटना के बारे में नगर थाना प्रभारी द्वारा मुझे सूचना दी गई थी। त्वरित इनके द्वारा कार्रवाई करते हुए अपने पुलिस कांस्टेबल प्लस लोकल लोगों को गोताखोर के रूप में यूज़ किया गया। टेम्पो पलटने में जो भी 8-9 लोग थे सबों को सुरक्षित निकाल के अस्पताल भेज दिया गया है। आम लोगों का कहना है कि शायद कुछ लोग हो सकते हैं, इसलिए फिर भी हम लोग गोताखोर पर लगा के पिछले 1.5 घंटे से देख रहे हैं कि कोई और आदमी उसमें फंसा तो नहीं। क्या सर गोताखोर आया है? हाँ गोताखोर, लोकल गोताखोर आया। हमारे सरकार तरफ से कोई गोताखोर नहीं आया? सरकार मतलब सीओ की तरफ से आए तो सरकार की तरफ। अच्छा तो हमारे क्या जानकारी अभी तक मिला? अभी तक कुछ नहीं मिल रहा, कोई भी हताहत की सूचना नहीं है किसी की। कितने लोगों की मौत की खबर है? कोई भी मौत की खबर नहीं। और घायल कितने लोग हैं? घायल 7-8 लोग को निकाला गया है, सबका इलाज चल रहा है, सब सुरक्षित। ये लोग सब कहाँ के थे सर और क्यों आए थे? के थे, शायद मुंडन के लिए मंदिर में आए हुए थे। जी सर, ये काफ़ी पुरानी सड़क है और तीर्थ स्थलीय है और इधर जर्जर अवस्था की बराबर। ठीक है, ये मुद्दा फिर से इलेक्शन खत्म होने के बाद आदर्श आचार संहिता के बाद इसको देखा जाएगा और जरूरत होगी तो इसकी मरम्मत करेगी। और सर जितने लोग घायल है वो कहाँ भर्ती है? कुछ लोग DMCH में है और कुछ लोग प्राइवेट नर्सिंग में। मेरे किसी प्रकार की कोई मैंने हताहत की सूचना नहीं है। सूचना नहीं तो क्या सर फिर से वहाँ गोताखोर NDRF की टीम जरूरत पड़ेगी तो फिर से हम लोग यहीं स्टेशन रहेंगे, जरूरत होगी तो हम लोग फिर से गोताखोरी करेंगे। सर कुल कितने लोगों की बात सामने आ रही है? 7 से 8 लोग, जैसा कि थाना प्रभारी महोदय के द्वारा बताया गया है, 7 से 8 लोग थे जिनको निकाल के त्वरित अस्पताल भेज दिया गया। सर लोग थाने के सीमांकन को लेकर भी कई लोग बता रहे हैं तो नहीं, उसमें बाउंड्री का डिस्प्यूट से कोई नहीं आया। 3 से 4 थाना प्रभारी मौजूद हैं तो वो चीज़ की बात छोड़ दीजिए, किसी डिस्प्यूट को लेकर कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं सर। पब्लिक में सड़कों के लेकर के काफ़ी आक्रोश देखी गई, क्या अभी स्थिति क्या है? अभी तो स्थिति सामान्य पूर्ण है, उनका शिकायत है कि रोड खराब है, इसको इलेक्शन के बाद मैं जो भी उचित फोरम होगा वहाँ इसको जरूर रखूँगा। ठीक घटिया यहाँ पे? यहाँ पर सत्ती माई के मेला के लिए आ रहा था, वहाँ से गाड़ी पलटी मारा, उसके बाद जो हम लोग जो वहाँ पर पका घाट पर बैठे हुए थे शमशान में, पता चला कोई और डूब रहा है, हम लोग वहाँ से चल के आए तो देखते भाई टेम्पू पलटी मारे हुआ है और 2 बच्चा का जो पानी पी के पेट उठ फुला हुआ था, मुँह था हुआ था, पता चला कि दोनों बच्चा मर गया, डेड कर गया। तो कितने उम्र के बच्चे थे ये लोग? हाँ कितने उम्र के बच्चे थे? बच्चा हो जाता है 7-8 साल का होगा, समझे कि नहीं? और DM से हम लोग दूसरे टेम्पो पर भेजा गया। कुछ पता चला है ये लोग कहाँ से आए थे? ये नहीं पता चला है कहाँ के लोग है ये लोग। क्या जानकारी मिली आपको? जानकारी यह मिली है कि गांव में हल्ला हुआ, किस तरह के एक्सीडेंट हुआ, आए तो पता चला कि 7 आदमी को जलधर पासवान है, विपिन पासवान है, वो दोनों निकाला, प्रशासन आया, सबको DMCH भेज दिया। अच्छा, इलाज के लिए। सड़क की जो स्थिति है इस संबंध में आपका क्या कहना है? सड़क तो जन प्रतिनिधि का है, टाउन और ग्रामीण के बीच में फंस के ये रोड नहीं बन रहा है। अगर टाउन बनाती तो टाउन बनाता, ग्रामीण तो ग्रामीण, ये रोड टाउन और ग्रामीण दोनों से है कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए नहीं बन रहा, नहीं बना। तो अगर सड़क ठीक रहती तो क्या इस प्रकार की घटना? नहीं, घटना नहीं होती। दूर टू सड़क, आप सड़क को भी देख लीजिए, कोई चलने का सुविधा साधन नहीं है और ये शहर से ग्रामीण को जोड़ने वाला सड़क है। यहाँ कहाँ कहाँ से लोग आते हैं इसे सती स्थान में? सती स्थान उत्तर बिहार का लगभग गांव के लोग आते हैं, नेपाल से भी लोग आते हैं और बिहार के लगभग लोग आते हैं, लगभग लोग बिहार के आते हैं। कहीं ना कहीं सड़क भी इस दुर्घटना में अपना कहीं ना कहीं पूरा जिम्मेवार सड़क है। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ कुछ है कि नहीं है? नहीं, रोड के सुरक्षा के दृष्टि से कुछ नहीं है, नदी के कटाव से रोड कट रहा है,
रोड कट गया, नदी में चल गया, रोड थोड़ा बचा हुआ है जो नदी के कोर पे है, एकदम किनारा पे है, वो भी बना हुआ नहीं है। साइकिल भी जाती है तो स्लिप करती है, मोटरसाइकिल भी स्लिप करती है, टेम्पू भी स्लिप, इससे पहले भी ये घटना हुआ है। एक टेम्पू इसी तरह ड्राइवर उलट गया तो उसमें पैसेंजर नहीं था, ड्राइवर सिंगल था, उसका जान बच गया। आज से एक महीना पहले लगभग ये तो बात। सड़क मैंने शहर से सटा हुआ जो जगह है ये काफी, यहाँ मैं जैसे सूत्रों की माने तो बिहार ही नहीं नेपाल सभी जगह से लोग आते हैं। और सड़क की जो दुर्दशा है इसका सीधा सीधा जिम्मेवार आप किसे मानते हैं? सीधा सीधा जन प्रतिनिधि, ग्रामीण और टाउन नगर दोनों। ये रोड सीधे NH 57 से जुड़ती है और ये रोड दरभंगा महाराजी पुल होते हुए दरभंगा टावर से जुड़ती है। अब टाउन में ये शहर को जाम हटाने के लिए ये शहर में आती है गाड़ी इधर से, जो कि जाम नहीं लगता। यही गाड़ी अगर वो सीधा जाए पूनम सिनेमा, उमा सिनेमा होते हुए तो उधर जाम लग जाएगी। ये जाम से छुड़ाता है ये। क्या नाम है आपका? विद्यासागर पासवान। और लगभग आदमी को हमको निकाल के अपने अंदाज दिया, वो आगे कहेगा ना कौन है नहीं है, तुम देखिए दोनों में जी। बताइए कि आप बीजेपी के दरभंगा जिला के युवा अध्यक्ष हैं और यहाँ के जो वर्तमान नगर विधायक हैं और जो आपके ग्रामीण बहादुरपुर के विधायक हैं, जो यहाँ घटना घटी है सबसे पहले उसके बारे में बताइए कि आपको क्या जानकारी है? यहाँ हम बीजेपी के कार्यकर्ता बाद में हैं, पहले हम शुभंकरपुर के बेटा हैं और इस नाते हमने जब महाराजी पुल टूट रहा था तो हमने आंदोलन करके पुल को तोड़ना रोक दिया था। इसी वजह से और इसी मांग के साथ कि पहले वैकल्पिक मार्ग को ठीक किया जाए तब पुल तोड़िएगा, रुका भी इमली घाट पुल का चौड़ीकरण हुआ भी पुल के पास, लेकिन यह सड़क बनने से पहले एक हफ्ता के अंदर में नेताओं को फीता काटने की हड़बड़ी और कुछ नेताओं को अपना दुमझला पीटने का हड़बड़ी रहता है। एक हफ्ता इंतजार नहीं कर पाए लोग और हम पटना गए और आनंद फानंद में महाराजी पुल तोड़ दिया गया, उसके बाद किसको कौन चिंता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत यह सड़क फेज टू में सांसद महोदय के पास मैं लिखा चुका हूँ, इसका टेंडर नहीं हुआ है क्योंकि कुछ मुकदमा चल रहा था बिहार सरकार और सरकार ठेकेदारों के बीच, कुछ अविलंब यह सड़क बनेगा। उससे पहले हमने प्रशासन से विनती की थी कि हमारा गांव फंस जाएगा, एक इमरजेंसी में एम्बुलेंस नहीं निकल पाएगा, आग लग जाएगा तो फायर ब्रिगेड का गाड़ी नहीं आ पाएगा। ये बाइक है मेरा, मांग पत्र है मेरा, हम सब सार्वजनिक कर सकते हैं, लेकिन महाराजी पुल तोड़ दिया गया लेकिन सड़क नहीं बनाया दिया गया। और उसी महाराजी पुल का मटेरियल इसी रास्ते से दिन रात ढोआता है, उसके वजह से जो भी सड़क था वो और खराब हो गया। और आज जो घटना घटी है, ऑटो जा रहा था कर्जा पट्टी से, कुछ लोग यहाँ सती थान का मेला शुक्रवार और सोमवार को लगता है, उस मेला में हजारों की संख्या में जिले से बाहर तक के लोग आते हैं, बिहार के लोग, नेपाल तक के लोग आते हैं। अपना अपना गली, अपना अपना घर, अपना अपना घर बनाएगा, अपना अपना घर का गली बनाएगा। नेता सब जो है ना सब आएगा खाली रोटी सेकने, मैं नेता हूँ, मैं ये हूँ, लेकिन आज जनता पब्लिक मर रहा है, कोई देखने वाला नहीं, नेता विधायक हो सांसद हो कोई हो, समझे, सब नेता आएगा यहाँ पर रोटी सेकने, वोट आएगा तो हम अपना अपना घर का गली बनाएगा, अपना अपना दूरा का बच्चा बनाएगा उसी रोड के पैसा से, समझे कि नहीं। अच्छा, लोगों का कहना है, एकदम सही आक्रोश है, लोगों का कहना है कि रोटी सेकता है, राजनीति करता है, सब रावी राजनीति कर रहे हैं, कितना नेता पहुंचेगा, इस बार राजनीति दिखाएंगे। ये बताते ये कि ये जैसा लोगों ने कहा कि 50 60 70 80 वर्षों से इस रोड की स्थिति यही है और जैसा लोगों का कहना है कि दो सीमा विवाद को लेकर इस रोड की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर हो गई, चाहे वो बहादुरपुर विधानसभा हो, शहरी विधानसभा हो, और जहां तक लोगों ने ये आरोप लगाया कि यहां जनप्रतिनिधि कुछ नहीं करते हैं, आप कहीं ना कहीं राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, इसीलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं। आपका जो आकलन है वो सही है और हम आपको पत्रकार होने के नाते आपसे आग्रह करते हैं पूरे ग्रामवासी की वजह तरफ से, जो आखिर इस विवाद के जड़ में क्यों है, पहले भी टेंडर हुआ था, नगर और बहादुरपुर के लड़ाई में काम रुक जाता है, इसके जड़ में कौन लोग हैं उनको आप खोज के निकालिए।
और इसी वजह से हमने जब वो बुझ गए कि विधानसभा का लड़ाई है तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना सांसद की तरफ से होता है उसमें इसको इंक्लूड कराया फेज टू में, यह NH 57 तक पास है। लेकिन इस बीच में पूरे बिहार में पिछले साल प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना केस मुकदमा में ठेकेदार और बिहार सरकार का केस के बीच में रुका हुआ था, इस कुछ दिन पहले से चालू हुआ है। फेज टू में इसका काम जल्द से चालू होगा, लेकिन उससे पहले हमने प्रशासन से मांग किया था, जब पुल टूटने का वक्त आया था, गवाह है भाई सब आदमी साथ से, यही डिमांड था मेरा कि इमली घाट पुल, बाजितपुर पुल और यह चतरिया वाला पुल के रोड को पहले ठीक करिए, तब पुल तोड़िए, नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे। चला गया तोड़ के चला गया और तोड़ दिया गया, बंद कर दिया गया है, बंद कर दिया गया। कौन है इसके जिम्मेदार? आप पत्रकार है, आप खोजिए, पहले आप बताइए कौन है जिम्मेदार? आप भी यहाँ के ग्रामीण हैं। विधायक, विधायक, विधायक यहाँ का जिम्मेदार है, विधायक सारा राजनीति करता है। हम कहाँ राजनीति करता है? प्रशासन को पहले रोड बनाना चाहिए था, ग्रामीणों का बात मांग को मांगना चाहिए था। राजनीति की जगह नहीं चल रही।